द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज, हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है पुली पे 60 न्यूटन का, 2 केजी और 4 केजी के मास हैं। ऑफकोर्स 4 केजी वाला नीचे जाएगा, हमको दिया हुआ है ये, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A2 है, और 2 केजी वाला ऊपर जाएगा A1 एक्सेलरेशन से। तो हमको ये पता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि यहाँ पे 60 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे जो टेंशन आएगी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो अगर इधर टेंशन, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे पुली पे टेंशन 2T है अगर हमारे पास, तो यहाँ पे ऑफकोर्स इस डायरेक्शन में T टेंशन होगी और इस डायरेक्शन में T टेंशन होगी, तभी तो यहाँ पे 2T टेंशन आएगी। तो अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, तो ऑफकोर्स यहाँ पे 30 न्यूटन के फोर्सेस लग रहे होंगे, राइट। तो अब इसकी FBD बना लेते हैं हम। ऊपर की तरफ 30 न्यूटन की टेंशन, नीचे की तरफ MG फोर्स जो कि 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ। ऐसे ही हम 44 केजी वाले की भी FBD बनाते हैं। तो ऊपर की तरफ 30 न्यूटन फोर्स, इसमें भी ऊपर की तरफ यही 30 न्यूटन फोर्स, नीचे की तरफ MG तो 40 न्यूटन, और एक्सेलरेशन इसका नीचे A2। फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 30 माइनस 20 मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे ही 40 माइनस 30 मास इनटू एक्सेलरेशन। सॉल्व करेंगे, 30 माइनस 20 10 आ जाएगा, 10 बराबर 2A1, A1 आ जाएगा 5, 40 माइनस 30 यानी कि 10 बराबर 4A2, तो ये हमारा आ जाएगा A2 बराबर 2.5। तो ये 2.5 है, ये 5 है, तो A2 का डबल A1 है, तो A2 का डबल A1 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।